सारे परिवार को इनको सड़कों में डाल दिया। यहाँ पे हमारे बाहर के बिहार के लोग हैं सारे, आजकल यहाँ पे लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू प्रांत जितना लोग जम्मू में रहते हैं, ये एक बेटी, ये खाली एक बेटी का मसला नहीं है, हमारी बहुत सारी बेटियां हैं जो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा अगर हमने पोस्टर नहीं लिया। तो मेरी दरख्वास्त है मेरे भाइयों को मीडिया के जरिए ये हासिल करना हूँ, जल्दी से जल्दी इसका जी वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, जम्मू की बेटी को जिंदा करो, जम्मू की बेटी को जिंदा करो, हमें क्या चाहिए इंसाफ चाहिए, हमें क्या चाहिए इंसाफ चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वरुण को फांसी दो, फांसी दो, वरुण को 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 फांसी दो, जम्मू के बेटे को साफ दो, बच्चे के हथियार को साफ दो, बच्चे के हथियार को फांसी दो, बच्चे के हथियार को फांसी दो, बच्चे के हथियार को फांसी दो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मैं बोल रही है, दो दिन में वो लड़का पकड़ा जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मामला क्या कुछ है संक्षेप में बताइए, ये मामला इनको बताइए, मामला बताओ जी। ये इसके साथ पूरा बलात्कार हुआ लड़की के साथ, लड़की जो है देखो सबकी और बहन बेटी है, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। पूरा मामला जो है आज देख रहे हैं कि ये पूरे जम्मू की ओर से पार्टी पार्टी जात बरादरी से ऊपर उठ के ये जम्मू के लोगों का प्रोटेस्ट है, और जो वरुण नाम का लड़का है जिसने पीड़िता के साथ लगातार एक साल तक दुष्कर्म किया, उसकी न्यूड फिल्में बनाई, उसकी वीडियो बनाई गई, उसे जबरदस्ती उसके परिवार को धमकियां दी गई, और उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है साढ़े पांच महीने का बच्चा, उसका जबरदस्ती उसके अबॉर्शन पिल्स उसके मुंह में डाल के उसका जबरदस्ती अबॉर्शन कराता है, और उसको जो शेव करने वाली मशीन होती है उसके साथ उसका नाड़ू काट कर और बच्चे को दफना आता है। आज हम चाहेंगे कि आज तक बच्चे की डेड बॉडी क्यों रिकवर नहीं हो पाई है, आज हम चाहेंगे कि जो ग्यूस के जो मोबाइल है वो क्यों नहीं आज तक वो है, क्राइम सीन जितने भी है सारे के सारे मिसहैंडल हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि एक जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम सिटिंग हाईकोर्ट के जज के सुपरविजन में बननी चाहिए, ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके, बच्ची को परिवार को इंसाफ मिल सके, और हमारी कोई जम्मू की और बच्ची इस बात की शिकार ना हो, ये हम इस बात की अपील करते हैं। ऐसा जुर्म अपने हाथ को मत अपने हाथ में लो, इस बर्न को जहां भी है आप लोगों को पता है, वो पुलिस को सब पता होता है कि कहां वो हमारा छुपा हुआ बदमाश है, आज तक क्यों नहीं वो पकड़ा गया। तो इसलिए मैं तमाम प्रशासन से एलजी से ये दरखास्त करता हूँ, मैं आप मीडिया के जरिए ये अर्ज करना चाहता हूँ, इसको पूरा हला दो। कितना समय हो चुका है? देखो जो समय है दो ढाई महीने का या साढ़े पांच साल का महीने का जो बच्चा था, ये उस लड़की को झांसा दिया करता था शादी का, उससे इन्होंने उनको ब्लैकमेल किया और आखिर में बच्चे की मौत भी इसने बड़े बुरे तरीके से की है, जिससे उसकी माता की जो हालत है, माँ की बेटी की जो हालत है, ये बच्चे की जो माँ है उसकी भी हालत खराब कर दी है। जो पीड़ा की देखो जो FIR हुई है अब उस पर कोई पूरा एक्शन नहीं हुआ, जो एक्शन होना था वो एक्शन नहीं लिया गया, वो तो दिमाना पुलिस स्टेशन में है, लेकिन हम कहते हैं कि ये सब सोया हुआ महकमा है, डिपार्टमेंट सोया है, एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, तो इसलिए आज का जो प्रोटेस्ट है, ये लोग आए हैं हमारे लोग सभी, हम यही कहते हैं कि इस जो बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और उस वरुण को सलाखों के पीछे होना चाहिए, और उसके जो साथी हैं बाकी साथी हैं उन पर भी एक्शन होने चाहिए। जो का मोबाइल है वो भी सील नहीं हो पाया, जो विक्टिम का मोबाइल है वो भी आज तक सील नहीं हो पाया, और जो न्यूड फिल्में बनाई गई हैं वो भी सामने नहीं आई, और उसके बच्चे की डेड बॉडी भी आज तक रिकवर नहीं हो पाई है।